हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूँ साधना। आज के इस वीडियो में बात करने वाली हूँ, अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है उसमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी हो तो उसको हम किस तरीके से ज्ञात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे मेरी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज दिया हुआ है, त्रिभुज में एक खड़ी रेखा इस त्रिभुज को काट रही है। अगर इस त्रिभुज में मुझे पता करना हो कि इसमें कितने त्रिभुज बनेंगे तो ये हम कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे पता करेंगे कि इस त्रिभुज में कितने त्रिभुज हैं। तो इसके लिए क्या है कि अगर कोई त्रिभुज को खड़ी रेखा काटती है तो इसका रूल क्या होता है कि इसको जितने भी सेक्शन है उसको काउंटिंग मतलब कि नंबर नंबर उसमें लिख देते हैं, वन और यहाँ टू, यहाँ वन लिखा मैंने और यहाँ टू। तो इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे जितने सेक्शन हैं जो भी नंबर मैंने लिखे हैं। तो वन प्लस टू कितना हो जाएगा, वन प्लस टू इज इक्वल टू थ्री। इसका मतलब इस त्रिभुज में जो त्रिभुज बनेंगे उनकी संख्या क्या होगी, तीन होगी, थ्री होगी। अब इसी तरीके से इसको भी एक देख लेते हैं, जैसे ये त्रिभुज है, इस त्रिभुज को वन टू थ्री लाइन्स जो है कट कर रहे हैं, तो इसमें बनने वाले त्रिभुज की संख्या कितनी होगी। तो इसके लिए भी वही चीज़ करेंगे हम, एक दो तीन चार, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर, इसको ऐड करेंगे, इसको जोड़ेंगे, एक दो एक तीन, तीन छः चार दस। इसका मतलब इसमें बनने वाले त्रिभुज की संख्या कितनी होगी, दस होगी। इसमें त्रिभुज की संख्या होगी दस, दस इसमें होगी त्रिभुज की संख्या तीन, ठीक, इसमें तीन होगी और इसमें दस होगी। और इसी तरीके से अगर किसी त्रिभुज को क्षैतिज रेखा काटे, जैसे ये है, ठीक है, इस तरीके से काट रही है, तो इसमें हम त्रिभुज को कैसे निकालेंगे कि इसमें त्रिभुजों की संख्या क्या होगी। तो अगर किसी त्रिभुज को कोई क्षैतिज रेखा काटती है तो उसमें क्या करना होता है हमको, इसमें जो भी क्षैतिज रेखा हो उसको हम काउंट कर लेंगे, एक दो, ठीक है। तो इसमें कितनी क्षैतिज रेखा काटी, दो। इसका मतलब इस त्रिभुज में दो है जो है, दो त्रिभुज बनेंगे,